हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना मंगलौर पहुंचे। वे मंगलौर से होते हुए देहरादून जा रहे थे। इस बीच वे मंगलौर पहुंचे, जहां उनके अचानक पहुंचने पर उपचुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में करतार सिंह भड़ाना की एंट्री ने सभी पार्टी के नेताओं को चौंका दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलौर की जनता ने जो उन्हें सम्मान दिया है, उसका कर्ज वह कभी नहीं उतार पाएंगे। उपचुनाव में अगर उन्हें मौका मिला तो वह मंगलौर में ऐतिहासिक विकास कराएंगे, जो आज तक यहां के जनप्रतिनिधि नहीं करा पाए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मंगलौर को बेंगलौर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं करतार सिंह भड़ाना मंगलौर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में फिर से उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोकने वाले करतार सिंह ने अन्य विरोधी दावेदारों में हलचल शुरू करा दी है। मंगलौर से संवाददाता राहुल सैनी की रिपोर्ट। मैं 19 साल पहले आया था और आज प्यार देख के मालिक से, अपने राम जी से, सबसे कहना चाहता हूँ कि मंगलौर का कुछ ऐसी कृपा कर दे जो मंगलौर बेंगलौर बन जाए, और वो जब इसकी इच्छा हो जाएगी तो मंगलौर की इच्छा हो जाएगी तो ये बंगलौर मंगलौर से बेंगलौर बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सिटी है वो। तो अगर मेरी अगर बस बजा, जो सम्मान मुझे मिला है उस सम्मान के बदले में अपनी जिंदगी भी लगा दूंगा, लेकिन इसका विकास कराना मेरी पहली पर वाले की मर्जी है। कहते हैं उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस प्यार से ये लगता है कि मेरे पे कोई कर्ज बाकी है। आपके आने से कहना चाहेंगे? मैं देख कहता हूँ, हलचल होगी तो मेरे मंगलौर का कुछ भला होगा, उन नेताओं को कुछ याद आएगा, वो कम से कम काम तो करेंगे।